गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम इन द लैंड ऑफ माता दी। अभी हम काटरा में हैं, माता दी के मंदिर के नीचे ही एकदम नीचे हम लोग हैं। तो अभी आज हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए हैं, अभी थोड़ा सा नाश्ता करेंगे फिर हम लोग निकलेंगे। अब सिटी देख पा रहे हैं, सिटी है काटरा सिटी है। तो हम लोग काटरा रेसिडेंसी बोल के होटल में हम लोग अभी ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ में बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फॉर फर्दर आगे हम लोग चलते हैं रोड पे, तब आप लोग से बात करते हैं। गाइज अभी हम लोग चालू किए हैं यहाँ से हम लोग कटरा से चालू किए हैं। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पहलगाँव जा रहे हैं यहाँ से। तो ये हम लोग का मूवमेंट है। अभी हम लोग एक एटीओस गाड़ी हमने लिया हुआ है, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में बहुत लोचा हो गया था, तो गाड़ी में हम लोग को जगह ही नहीं मिल रहा था। तो ब्लॉग कहाँ बनाया, हम बोले कि छत के ऊपर बैठ जाएंगे। तो जैसे भी हो गया काम अपना, अपने साथ ऐसे दो तीन बंदे हैं, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। जस्ट वी हैव स्टार्टेड, साथ में बने रहिए। बाकी हम लोग आगे आप लोगों को दिखाते हैं, रोड भी दिखाएंगे आपको। सुने हैं कि रोड अच्छा नहीं है, तो वेट कीजिए। हम लोग अभी जिस रोड से जा रहे हैं वो रोड है टिकरी रोड, मतलब श्रीनगर को ये हाईवे है। हाईवे का नंबर अभी फिलहाल पता नहीं है, बाद में आप लोगों को बताते हैं क्या नंबर है इसका। ये रोड से हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स श्रीनगर। तो आगे यहाँ पे एक जगह है, क्या नाम है उस जगह का? उधमपुर। यहाँ पे उधमपुर का डिस्टेंस होगा करीब 25 किलोमीटर। उधमपुर के आगे हम लोग का जो अगला जो टीम है, दूसरा जो टीम है वहीं पे है। वो लोग खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पहुँचने की चेष्टा कर रहे हैं। तो गाड़ी के लोचा में हम लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी हम लोग उसी साइड में जा रहे हैं। अभी देखिए भी है मेरा उस साइड में, ये देखिए उधर देखिए, जस्ट मेरा जो जैसे उंगली में डाला ऐसे देखिए, सीधा देखिए सामने वाला पहाड़ के पीछे देखिए, एकदम बड़े ब्यूटी भाई। ये देखो आप, देखिए रोड, देखिए ये रोड देख के ना हमको दुबई वाला रोड और ओमान वाला रोड याद में आ रहा है। सही में कहीं इंडिया में हर जगह पे आप घूमिएगा, कहीं ना कहीं दूसरे जगह से बहुत बहुत कुछ मेल खाता है। लेकिन बोले तो बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम दुबई से ओमान जाने वाला जो रोड है उसी रोड में लग रहा है कि हम सलाला की तरफ जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है हमको। सही में ये देखिए, ये सीधा रोड गया हुआ, ये देखिए सीधा वैसे करके दाहिने तरफ वैसे मुड़ा हुआ है रोड, देखिए। और पीछे बर्फ वाली पहाड़, यू कैन सी, देखिए। इसको हम वर्ड्स में नहीं बोल सकते कि कैसा लग रहा है यहाँ पे, बट अगर आप लोग आते हैं तो बहुत एंजॉय कीजिएगा यहाँ पे। सही मायने में बहुत एंजॉय कीजिएगा, राइट प्लेस है भाई, बहुत राइट प्लेस है। देखिए सामने देखिए, बलिया, एक ढाबा में आए हैं खाना खाने के लिए। खाना एक्चुअली यहाँ पे लंच का जो है, ये लंच यहाँ पे सिस्टम ही है। लंच एक्चुअली हम लोग यहाँ पे खाएंगे, लेकिन खाना हम लोग जो टूर के साथ आए हैं उसके वही खाना लेके आया हुआ है। जस्ट यहाँ पे खाने के लिए हम लोग ठहरे हैं, तो देखते हैं क्या खाने में मिलता है। तो जैसे मिलेगा वैसे मिलने के बाद खाना खा के फिर हम लोग निकलेंगे, लंच करके फिर हम लोग निकलेंगे आगे। यही प्रोग्राम है, वहाँ पर ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया सीनिक ब्यूटी है, तो जैसे होगा आप लोग हम दिखाते हैं वहाँ पर। खाना हो गया, बहुत बढ़िया खाना था, पूरा बंगाली खाना था। खाना हो गया, अभी हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे दो मिनट में, वेट कीजिए। अभी हम लोग जो टनल में जा रहे हैं, अभी सामने एक टनल है जो 11 किलोमीटर लंबा है, फिर मैं बोल रहा हूँ 11 किलोमीटर लंबा है। ये है पटनी टॉप यहाँ पे है, यहाँ पे 11 किलोमीटर है, यहाँ पे बहुत चेकिंग होता है। तो हम उसके अंदर से अभी उसके अंदर से हम लोग जाएंगे, आप लोग उसको दिखाएंगे, फिर जितना हो पाएगा दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग साथ में बने रहिए प्लीज़। ये देखिए इसका ये बोर्ड आ गया, टोल, ये टोल टैक्स आ गया इसका। कितना टोल रहता है यहाँ पे? 140 कुछ लगता है, वो फर्स्ट टैग लगा, वो इसलिए पता नहीं चलेगा शायद। भाई साहब ये देखो टनल, ये 11 किलोमीटर हम लोग इसके अंदर से जाएंगे। बंदा क्या फीलिंग साहब, समझो ऊपर पहाड़ है नीचे टनल है, इसके बीच में से हम लोग जा रहे हैं। एवरेज है 50, मेरे हाथ में होता तो मैं 100 में चला देता। अब देखो
क्या बताऊं भाई साहब, इसमें कोई भाषा नहीं है, मतलब बोलने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। यही तो देखने के लिए मैं आया था। ये एक टनल और एक दूसरा अटल टनल है, ये दोनों देखने के लिए मैं आया था। तो अटल टनल शायद होगा नहीं, वो लेदरबाग जाएंगे जून महीने में, मई जून महीने में, तब दिखाएंगे आप लोगों को। अभी तक यही आप लोग देख लो, क्या मज़ेदार सीन है भाई। देखो साइड में ही एग्जिट बना हुआ है, सब साइड में देखो आप, एग्जिट बना हुआ है सब साइड में, ताकि ये ब्रिज के अंदर में कुछ दिक्कत होती है तो आप बाहर निकल पाओ यहाँ से। ये जो है ना, जो देख रहा हूँ मैं इसको ना, क्या है कि हम इसको कोई नाम नहीं दे सकते, इसका जो फील कर सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, ये देख के फील कर सकते हो। इसको पिक्चराइजेशन करने में अगर मैं इसका व्यू भी लेता हूँ तो व्यू आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, उतना डेडिकेटेड, उतना सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन मैं अंदर से जा रहा हूँ तो आई कैन फील द गुड थिंग ना, एक फील गुड फैक्टर होता है। जो इतना बढ़िया हम लोग के देश में इतना बड़ा ब्रिज, ये सबवे है, अंडरपास है, जहाँ से हम लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं 11 किलोमीटर। यू कैन थिंक, आप समझ के चलो कि 11 किलोमीटर है, 1-2 किलोमीटर नहीं, एक जगह से दूसरी जगह हम 11 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। देखिए कोई जाम नहीं, कुछ प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। देखिए हम लोग सीधा जा रहे हैं, एकदम रोड सामने, एक गाड़ी एक स्पीड, सबका स्पीड वही 50-60 में खड़े हैं, सब उसी स्पीड में जा रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं रामबन, ये गुलमार्ग और श्रीनगर से जाने के रोड के बीच में पड़ता है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन साथ में जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका धूल मिट्टी बहुत सुंदर है। देखिए कितना धूल मिट्टी है, और साथ में आपको दिखा देते हैं, देखिए कितना सुंदर है। देखिए नीचे देखिए ये है नदी है, ये यहाँ पे नदी, देखिए ये नदी है गिद्दर, कितना कितना देखिए करंट इसमें है, देखिए। और देखिए पीछे देखिए नेचुरल ब्यूटी, देखिए जगह का। गाइज अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, ये बाएं तरफ देख पा रहे हैं, ये है लिद्दर नदी, और ये जो है ये वैली को बोला जाता है लिद्दर वैली। एक्चुअली क्या होता है, जिस एरिया में जो नदी बहती है उसी एरिया को उसी के नदी के नाम से जाना जाता है, तो उसी को, इसीलिए यहाँ पे लिद्दर नदी गई हुई है, इसलिए इसको लिद्दर वैली बोला जाता है। और आगे आप देख पा रहे हैं धारा, ये धारा मतलब यहाँ से जो पहाड़ के श्रृंखला आप देख पा रहे हैं, ये श्रृंखला जो है इसी को धारा बोला जाता है, क्योंकि इसमें पहाड़ का जो होता है चारों साइड में खाई तरह होता है। और ये जो जिगजैग रोड आप देख रहे हैं, ये रोड एक, ये धारा का एक रोड है जो एक गांव से दूसरे गांव को जाती है। तो इसी रोड में, इसी रोड के साइड से हम लोग नेशनल हाईवे की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये श्रृंखला है, इसी को भी धारा बोला जाता है। तो साथ में बने रहिए, आगे आप लोगों को और भी सुंदर चीज दिखाते हैं। ये जगह से जो हम क्रॉस कर रहे हैं इसको बोलते हैं खूनी नाला, ऊपर से चट्टानें ऊपर से गिरती है और आपको मार देगी, इसलिए इसे खूनी चट्टानें बोला जाता है। भाई हम तो नहीं रुकेंगे यहाँ पे, आप रुकना है, आप पास में आके रुक जाना, हम तो यहाँ पे रनिंग में निकल जाएंगे, तब ऊपर से खूनी नाला में पत्थर आ जाए और जान से मार दे। भाई वो देखो, आप देखो खाई, कितना बड़ा बड़ा खाई है, देखो आप यहाँ पे यहाँ से गाड़ी गिरा तो गया बेटा, ऊपर गया, अभी तो कभी तक वापस नहीं आया गाड़ी, वो मेरा ड्राइवर साहब बता रहे हैं। देखो हनुमान जी यहाँ पे भी है, देखो कितना बड़ा बड़ा खाई है, देखो आप लैंडस्लाइड हुआ है, देखो एकदम स्ट्रेट हो गया है, मतलब बीच में रोड है, ये देखो आप बीच में रोड है, ये रोड खत्म हो गया पूरा, यहीं से हम लोग जाएंगे शायद, ये पूरा एकदम पूरा सीधा हो गया नीचे तक, ये नीचे तक पूरा सीधा हो गया, देखो आप ये देखो क्या अवस्था है, व्हाट इज द पोजीशन, देखो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, इसीलिए सब वहाँ पे लोहे का खांचा बना हुआ है, देखो ढांचा बना हुआ वहाँ पे। सो व्हाट विल हैपन मैं आपको बाद में दिखा पाऊँगा, शायद मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, नहीं भी हो सकता कि नहीं भी पा रहा हूँ। वो देखो आप, वो देखो वो बना हुआ है वहाँ पे देख रहे हैं आप, वहाँ पे इसलिए कि ऊपर से लैंडस्लाइड होता है तो वहाँ पे आके गाड़ी के ऊपर गिर ना जाए। ये आ गया हम लोगों का दूसरा टनल, ये नया बना हुआ है, नया टनल है ये, देखिए ये नया टनल, लाइट ही लाइट है, देखिए अंदर सब फैन लगा हुआ है ताकि अंदर टनल के अंदर गर्मी ना हो, एग्जॉस्टर लगा हुआ है, देखिए साइड में, ये देखिए आगे एग्जॉस्टर लगा हुआ है, क्या ये देखिए राइट में सब एग्जॉस्टर लगा हुआ है।
ये टनल भी बहुत लंबा होगा, कितना 10 किलोमीटर होगा ना, 11 किलोमीटर ये भी लंबा है। मतलब हमको लगता है कि पूरा जो है जम्मू कश्मीर में जितना भी होगा रोड सब टनल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रोड में सब देख रहे थे हर जगह पे देख रहे हैं कि टनल नहीं तो ब्रिज बनना है हर जगह पे। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे रोड नहीं बन रहा भाई, मतलब आगे वाला 5 साल में जो है ये रोड ऐसी बन के पूरा तैयार हो जाएगा। ये टनल जो है ना, ये टनल वन वे है, मतलब इधर आगे वाला जो टनल आपको दिखा है उसमें अप डाउन एक साथ में था, अभी इस टनल में क्या है ये अप है मान के चलिए, तो दूसरा टनल दूसरा साइड में है वो उसमें डाउन है, तो दोनों अलग अलग है, मतलब एक एक रो पे नहीं है, ये भी अलग से सुविधा है। हम लोग अभी जा रहे हैं हाई रोड से, गाड़ी में थोड़ा सा सो गया था मैं, पैर में अभी भी बहुत दर्द है, बहुत सूजन है बहुत, मतलब कल जो इतना किलोमीटर चले उसके बाद पैर में बहुत दर्द हो गया है। तो अभी क्या है कि रोड में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है टिफिन करने के लिए, अभी भी यहाँ से पहलगांव 62 किलोमीटर दूर है, अभी हम लोग हाई रोड में आ गए, टनल के बाद से हाई रोड में आ गए हैं, तो आने के बाद अभी यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता किए, शाम वाला नाश्ता किए, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से निकलेंगे 5-10 मिनट में और पहलगांव की तरफ जाएंगे। आप लोगों को ये देखिए रोड दिखाते हैं, ये हाई रोड है, सुनसान रास्ता है, एकदम सुनसान है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अभी होटल स्नो व्यू में आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं एकदम ऊपर टॉप में, बहुत सीढ़ी है, बहुत सारा सीढ़ी है, तो चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, सुबह आप लोगों को व्यू दिखाना होगा, इसीलिए सुबह हमको जाना होगा ऊपर, इसे पहले से ही हम ऊपर का रूम ले लिए, ऊपर का रूम ले लिए, तभी ऊपर हम जा रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाते हैं बहुत ठंडा है, देखिए ये रूम ले लिए, इसके ऊपर हमको जाना होगा, सीढ़ी बहुत ऊंचा ऊंचा है, समूचा सीढ़ी में जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो रूम लकड़ी का बना हुआ है, रूम लकड़ी का बना हुआ, देखिए ऐसा ही रूम है, छत भी लकड़ी का है, ये देखिए विंडो, यहाँ से सुबह व्यू दिखाई पड़ेगा, टीवी यह चलता नहीं है, ये बाथरूम है, नीचे मच मच करता है, ये बाथरूम टीना ऊपर टीना दिया हुआ है, अभी हम लोग यही पे वीडियो ख़त्म करते हैं, आशा करते हैं कि आज का दिन का जो वीडियो आपको दिखाए आप लोग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट जो हम लोग ब्लॉग आने वाला है उसको थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट की सीरीज कल पहलगांव, कल हम लोग लोकल साइट सीन पर जाएंगे, वही वाला कल आपको लोग देख पाइएगा, तो टिल देन गुड नाइट, थैंक यू, बाय।